हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा फोर्थ ईयर के लिए बीएफए। इसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कोड है 401। तो हम बात कर रहे थे, हमारा पिछला आर्टिस्ट कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट आर्टिस्ट है हमारा चित प्रसाद भट्टाचार्य, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। चित प्रसाद भट्टाचार्य जी का फोटो है ये साइड में। इसमें आपका टॉपिक रहेगा प्रारंभिक जीवन, सेकंड है कैरियर और स्टाइल, थर्ड है मृत्यु। ठीक है, चित प्रसाद भट्टाचार्य 20वीं सदी के मध्य के एक राजनीतिक कलाकार थे। जो भट्टाचार्य जी थे वो 20वीं सदी के मध्य के राजनीतिक कलाकार थे। उन्होंने कैनवास पर तेल से परहेज करते हुए वाटर कलर और प्रिंट मेकिंग को प्राथमिकता दी। चित प्रसाद ने वामपंथी विचारों और प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट का इस्तेमाल भी किया। प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात कर रहे थे। 1915 में वर्तमान 24 उत्तर परगना जिले पश्चिमी बंगाल में नेहाटी मेजन में चित प्रसाद 1930 के दशक के मध्य में चटगांव सरकारी कॉलेज के छात्र के रूप में कट्टरपंथी बन गए। वह अंग्रेजों द्वारा दोनों औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने के लिए जमीनी स्तर पर आंदोलन में शामिल हो गए और जमींदार भारतीय भूभाग का सामंती उत्पीड़न भी। चित प्रसाद ने बंगाल स्कूललैंड के क्लासिकवाद को, उसके आध्यात्मिक पूर्वग्रहों को खारिज कर दिया। जाति व्यवस्था के भेदभाव को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण चित प्रसाद ने अपने जीवन के दौरान कभी भी अपने ब्रह्मवादी उपनाम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लेख लिखे और रचनात्मक कार्टून और चित्र तैयार किए, जिन्होंने नृत्य कौशल के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम पिछली पीपीटी में कर चुके थे। मैंने आज ये, क्योंकि ये आज आर्टिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने आज ये पूरी कंप्लीट पीपीटी बना दी है। ठीक है, तो अब हमें बात करना है इनके कैरियर और स्टाइल के बारे में, क्या इनका कैरियर था और स्टाइल था। ठीक है, 1930 के दशक में सबसे अधिक रचनात्मक वर्षों की शुरुआत हुई, मतलब जो 1930 की बात है ये, उसके दशक में सबसे अधिक रचनात्मक वर्ष यानी क्रिएटिव जो सृजनात्मक होते हैं, तो उन वर्षों की शुरुआत हुई थी 1930 के दशक में। उन्होंने व्यंग्य और तीखी आलोचना की, मतलब उन्होंने व्यंग्य भी की थी और तीखी आलोचना यानी जो बात करने वाली होती है तो वो उन्होंने की थी, जिसमें सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था को जल्दी से खींचा गया है ना, उसी मतलब उसी में सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था को भी खींचा गया था, उसमें दिखाया गया था, लेकिन मास्टर पेन और स्याही रेखा चित्रों में शामिल किया गया, यानी मास्टर पेन में और स्याही रेखा चित्रों में भी शामिल किया गया। ठीक है, कलाकार सुधारक भी स्पष्ट प्रचार के साथ लीनो कट्स और वुड्स कट्स बनाने में कुशल थे। जो कलाकार थे और जो सुधारक थे वो प्रचार के साथ यानी स्पष्ट यानी क्लियर प्रचार के साथ वो लीनो कट्स और वुड कट्स बनाने में कुशल थे। लीनो कट्स और वुड कट्स आप जानते हैं, ठीक है, तो वो बनाने में वो कुशल थे, अच्छे थे। चूँकि आर्ट गैलरी के बजाय सस्ते में इन प्रिंट्स को जनता के लिए बनाया, मतलब आर्ट गैलरी के बजाय उन्होंने आर्ट गैलरी के लिए नहीं बनाया था ये, आर्ट गैलरी के बजाय उन्होंने सस्ते में इन प्रिंट्स को जनता के लिए बनाया था, बनाया गया था, इसलिए वे शायद ही कभी हस्ताक्षर किए गए या गिने गए, मतलब वो ज़्यादातर इसलिए हस्ताक्षर भी किए नहीं गए थे और गिने भी नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने वो कला अकेडमी के लिए नहीं बनाए थे। ठीक है, समय के साथ वे कला के रूप में महत्व लेते गए, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो कला के रूप में महत्व लेते गए और आज कलेक्टरों द्वारा बेशकीमती हैं, है ना, तो कलेक्टरों द्वारा वो आज बेशकीमती हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम किया उसके रूप में, तो आज कलेक्टरों द्वारा वे बेशकीमती हैं। 1943 में चित प्रसाद ने विभिन्न कम्युनिस्ट प्रशासनों के लिए बंगाल अकाल को कवर किया, है ना, 1943 की बात है ये,
43 में चित प्रसाद जी ने विभिन्न कम्युनिस्ट प्रशासनों के लिए बंगाल अकाल को कवर किया था, मतलब अलग अलग तरह के उन्होंने जो कम्युनिस्ट थे तो प्रकाशन के लिए उन्होंने बंगाल अकाल को कवर किया था। इसके परिणाम स्वरूप उनका पहला प्रकाशन, मतलब इसी के परिणाम स्वरूप उनका जो पहला प्रकाशन था वो हंग्री बंगाल था। यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों पर एक तेज उकसाने वाला हमला था, है ना। मतलब ये उस समय की राजनीतिक और जो सामाजिक शक्तियां थी उन पर एक उकसाने वाला ये हमला था और अधिकारियों ने इसे लगभग तुरंत दबा दिया। मतलब जब ये बात हुई थी कि राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों को उकसाया गया था तो जो अधिकारी थे उन्होंने मतलब लगभग उसको दबा ही दिया था, वो बात वहीं ख़त्म करने की बात थी। तो बड़ी संख्याओं को लागू करने और नष्ट कर दिया, मतलब बड़ी संख्या में लागू भी किया और नष्ट कर दिया। ठीक है, एक बार और इसको कवर कर लेते हैं। जो 1930 के दशक में सबसे अधिक रचनात्मक वर्षों की शुरुआत हुई थी कैरियर और स्टाइल में इनके, मतलब जो इनके रचनात्मक वर्ष थे वो 1930 के दशक में ही शुरू हुए थे, जो इनका कैरियर शुरू हुआ था। इन्होंने व्यंग्य और तीखी आलोचना भी की थी जिसमें सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था को जल्दी से खींचा गया। ठीक है, इन्होंने व्यंग्य और तीखी आलोचना की, उसी में सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था को जल्दी से खींचा गया, लेकिन मास्टर पेन और स्याही रेखा चित्रों में शामिल किया गया। मतलब मास्टर पेन में और जो स्याही रेखा चित्र थे उसमें शामिल किया गया था। कलाकार सुधारक भी स्पष्ट प्रचार के साथ लीनो कट्स और वुड कट्स बनाने में कुशल थे। मतलब जो कलाकार थे, सुधारक थे, वो मतलब जो प्रचार करते थे वो स्पष्ट तो करते ही थे, उसी के साथ वो लीनो कट्स और वुड कट्स बनाने में भी कुशल थे। क्योंकि आर्ट गैलरी के बजाय सस्ते में इन प्रिंट्स को जनता के लिए बनाया गया था, इसलिए वे शायद कभी हस्ताक्षर किए या गिने नहीं गए। मतलब उन्होंने हस्ताक्षर ना तो किए ना गिनवाए, इसी वजह से, क्योंकि वो गैलरी के लिए नहीं, उन्होंने जनता के लिए बनाए थे। समय के साथ वे कला के रूप में महत्व लेते गए और आज कलेक्टरों द्वारा बेशकीमती है ना। मतलब समय के साथ उन्होंने कला का रूप में महत्व भी लिया और आज जो कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा वो बेशकीमती हैं। 1943 में चित प्रसाद ने विभिन्न कम्युनिस्ट प्रशासकों के लिए बंगाल अकाल को कवर किया। इसके परिणामस्वरूप उनका पहला प्रकाशन हंग्री बंगाल था। यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों पर एक तेज उकसाने वाला हमला था और अधिकारियों ने इसे लगभग तुरंत दबा दिया और बड़ी संख्याओं को लागू करने और नष्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट है मृत्यु। चित प्रसाद 1946 से बंबई में अधिक स्थायी रूप में से बस गए। मतलब 1946 से बंबई में वो स्थायी रूप से बस गए थे वहाँ पे। ठीक है, कब? 46 में। और 48 और 49 के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ने जो परिवर्तन किए उसने कलाकार को खुद को अलग करना शुरू कर दिया, है ना। तो चित प्रसाद जी जो थे वो 1946 से तो वो बंबई में स्थायी रूप में वहाँ रहने लगे, और 1948 से और 1949 के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ने जो परिवर्तन किए उसने कलाकार को खुद को अलग करना शुरू कर दिया। मतलब उस कलाकार को, यानी इन्होंने अपने आप को खुद को अलग करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने अपनी कला में राजनीतिक विषयों को अपने जीवन के अंत तक जारी रखा। मतलब जो उनकी कला थी तो जो उसमें राजनीतिक उनके जो विषय थे तो उन्होंने अपने जीवन के अंत तक उनको जारी रखा था। अपनी मृत्यु से पहले के वर्षों में कलाकार ने अधिक से अधिक समय विश्व शांति आंदोलन और गरीब बच्चों की मदद के लिए विभिन्न प्रयासों के लिए समर्पित किया। यानी उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे कार्य भी किए, तो जो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जो, मतलब उनकी मृत्यु से पहले के जो वर्ष थे तो उन्होंने अधिक से अधिक समय गरीब बच्चों की मदद करने में लगाया, बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए और विश्व शांति आंदोलन भी किया, तो इसी में उनका ज़्यादातर समय समर्पित रहा, है ना, और ये बहुत ही अच्छी बात थी। ठीक है, तो 1946 से वो बंबई में स्थायी रूप से आए, 48 और 49 के बीच उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में जो परिवर्तन किए उसने कलाकार को खुद से अलग करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने अपनी कला में राजनीतिक विषयों को अपने जीवन के अंत तक रखा। मतलब जो उनकी कला थी उसमें जो उनके राजनीतिक विषय थे, पॉलिटिक्स विषय थे, उसमें उन्होंने जीवन के अंत तक उनको कंटिन्यू रखा अपने साथ, है ना। और जब उनकी मृत्यु हुई, अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, मतलब कुछ जो वर्ष थे उसमें कलाकार ने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों की मदद की, अच्छे अच्छे काम किए, विश्व शांति आंदोलन में समय दिया और अनेक भी बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए जिसमें वो समर्पित रहे। उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय प्राग, द नेशनल आर्ट ऑफ मॉडर्न नई दिल्ली
ओसिया आर्ट ऑक्वी मुंबई और जेन एंड की टोडी बोअर कलेक्शन दुबई में दिखाया गया है। ठीक है, तो उन मतलब इनका जो वर्क था, तो इन्हें कहाँ कहाँ दिखाया गया था, राष्ट्रीय संग्रहालय में, प्राग में, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, नई दिल्ली में, ओसीआर टॉकी में, मुंबई और जेन एंड कीटो डी बोअर कलेक्शन, तो इन सब में दुबई में इनको दिखाया गया था। ठीक है, तो इस आर्टिस्ट के बारे में इतना ही है, शॉर्ट ही है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आज का हमारा आर्टिस्ट